अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बच्चों के कपड़ों के डिज़ाइन बताऊंगी जो कि आप अपने घर में पड़े पुराने कपड़ों से भी बना सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारे पास पहला सूट है जो कि फ़्रॉक है और मैंने अम्मी के कपड़ों से ये बनाया है। देख सकते हैं इसका गला गोल है और बीच में जो है इसकी प्लेट डाली है और ये बटन लगाए हैं, एक दो बटन लगाए हैं और बीच में प्लेट डाली है। ये कुछ इस तरह से आ रहा है और तीनों पर जो है घर में मेरे पास गोल्डन कलर की ये पाइपिंग पड़ी हुई थी तो ये मैंने लगा ली है इस तरह से मिड में इसके। देख सकते हैं डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ ये शलवार बिल्कुल सिंपल रखी हुई है, ये दुपट्टे से बनाई है शलवार इसकी। और ये पूरा सूट देखिए तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची के कपड़े हैं। इसका बैग बिल्कुल ही सिंपल है, आप देख सकते हैं इसका बैग भी कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट सूट है, इसका बेबी कॉलर है और इसके इसको भी बटन लगाया है। ये मेरे पास एक गर्म कपड़ा पड़ा हुआ था तो इससे जो है ए लाइन शर्ट बनाई है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रही है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। आप अपने पास पड़े कोई भी पुराने सूट से अच्छा सा सूट सिला सकते हैं, आइडियाज़ यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये सिंपल है बट बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद जो ये नेक्स्ट सूट है इसकी जो ऊपर की बॉडी है ये मैंने वाइट कलर से बनाई है। ये मेरे पास एक और कपड़ा पड़ा हुआ था ये उसका यूज़ किया है और नीचे की जो है वो कमीज़ से बनाया हुआ है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, ये लाइन फ्रॉक बनाई है। उसके बाद इसकी जो ये शलवार है ये बिल्कुल ही सिंपल है इस तरह से और बैक में इसके बटन तीन लगाए हैं और ये मुकम्मल देखें घेरा कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एक और खूबसूरत सी फ्रॉक है जिसकी ऊपर की बॉडी जो है ये मैंने कमीज़ से बनवाई है और जो नीचे का ये है फ्रिल ये दुपट्टे से बनाया है। ये बहुत ही खूबसूरत और चेंज सी लुक आ रही है, इसका घेरा भी काफ़ी अच्छा बड़ा है। फ्रॉक में जो है चुन्नट भी डाले हैं जिसकी मदद से ये और भी खूबसूरत लग रही है। इसकी भी शलवार दुपट्टे से सिंपल बनाई हुई है और ये इसका बैक है जिसमें पीछे एक बटन लगाया हुआ है और यहाँ पर वही गोल्डन कलर की लेस लगाई है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है लाइक करें। और आप इस तरह से जो है कोई भी आपके घर में सूट पुराना पड़ा हो या आप कोई कपड़ा यूज़ नहीं करें तो आप इस तरह से फ्रॉक्स बना सकते हो। उसकी मैं आपके लिए इस तरह की और भी वीडियोस लाती रहूँगी।